हेलो बच्चों, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। क्लास सिक्स का चैप्टर वन चल रहा है, चलिए देखते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था नोइंग योर नंबर्स। चलिए एक्सरसाइज 1.2 शुरू कर रहे हैं आज हम। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, ए बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 डेज इन ए स्कूल। द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे वॉज रेस्पेक्टिवली दिस 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 दिस। Find the total number of tickets sold on all the 4 days। देखिए क्या है, book exhibition था और counters पे कुछ books, कुछ tickets हमने sell की। तो first day हमने कितनी tickets sell की, first day की tickets हमारी है 1094, हम यहाँ लिखेंगे 1094। Second day हमने कितना किया, लिखिए फटाफट, second day हमने किया है 1812। Third day हमारा कितना हुआ, थर्ड डे हमारी सेल हुई है 2050। एंड द फोर्थ डे हमारा कितना सेल हुआ है, फोर्थ डे हमारा है 2751। चलिए तो ये पूछना चाह रहा है टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितनी सोल्ड हुई। तो टोटल टिकट्स हम क्या लिखेंगे, टोटल के लिए हमें क्या करना है, चारों को ऐड कर देना है। फर्स्ट डे इतना, सेकंड डे इतना, थर्ड डे इतना, फोर्थ डे इतना, टोटल कितना हो गया, चारों को ऐड कर दीजिए। तो हम सीधा ऐड कर सकते हैं, 4 + 2 + 1 कितना हो गया, 7, 9 + 1 = 10, 15, 20, 0 कैरी हो गया हमारा 2, 2 + 8 = 10, 10 + 7 = 17 कैरी हो गया 1, 1 + 1 = 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये लीजिए। टोटल हमने इतनी टिकट सेल कर दी 4 डेज के अंदर, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, हर डे का हमने लिखा और टोटल कर दिया, चारों को हमने ऐड कर दिया, ये हमारा आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर, ही हैज सो फार स्कोर्ड 6980 रन्स इन टेस्ट मैचेस। इसने इतने रन बनाए हैं अभी तक टेस्ट मैचेस में, और ये क्या चाहता है, ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन्स। इसकी विश है कि टोटल रन्स कितने हो जाएं, 10,000 रन्स हो जाएं। तो कितने रन्स और इसको चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, सो फार स्कोर्ड 6980 रन्स एंड नीड टू कंप्लीट रन्स इक्वल टू 10,000 इसको रन्स बनाने हैं। तो कितने एक्स्ट्रा चाहिए, कितने एक्स्ट्रा रन चाहिए बताइए, कितने मोर रन चाहिए। आपके पास इतने रन बन चुके हैं, इतने रन आपको बनाने हैं, तो क्या करेंगे, कितने कम पड़ रहे हैं, तो कैसे निकालते हैं, कम जो पड़ रहा है, जो एक्स्ट्रा है वो माइनस करके निकलता है। तो क्या करेंगे, 10,000 में से हम माइनस कर देंगे 6980 को, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करने से क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताओ, जीरो में से जीरो गया जीरो, जीरो में से एट गया टू, जीरो में से जीरो गया जीरो, और टेन में से सेवन गया थ्री। यानी कितने मोर रन्स की आपको और रिक्वायरमेंट है, 3020, यानी 3020 रन्स आपको और चाहिए 10,000 रन्स कंप्लीट करने के लिए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, 10,000 में से 6980 हमें माइनस करना था, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। चलते हैं नेक्स्ट पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड इतना वोट्स। सक्सेसफुल कैंडिडेट को कितना वोट्स मिला, इतना वोट्स मिला, एंड हिज नियरेस्ट राइवल सिक्योर्ड इतना वोट्स। उसके जस्ट पीछे जो बंदा था उसको कितने वोट्स मिले, इतने वोट्स मिले। बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। तो सक्सेसफुल कैंडिडेट कितने मार्जिन से जीत गया, ये हमें पता करना है। तो हम क्या लिखेंगे, वोट्स ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट, कितने वोट मिले, सक्सेसफुल को मिले हैं 577,500 वोट्स, और जो सबसे पास में उसका बंदा था, नियरेस्ट राइवल, उसको कितना मिला है, उसको मिला है 348,700 वोट्स।
तो जीतने वाले को इतने मिले, उसके जस्ट पीछे जो रह गया उसको इतना मिल गया, तो कितने मार्जिन से जीता, इतना मार्जिन आ गया उसके पास, इतना इसके पास है, इतना इसको मिला है, तो जो डिफरेंस होता है उसी को हम मार्जिन बोलते हैं। तो डिफरेंस कितना हो गया, हम ऐसे माइनस कर लेंगे, 500 माइनस 348, 700, इनको माइनस कीजिए फटाफट, 008, ये हो गया 98, एक सेकंड वापस से करते हैं इसको हम माइनस, देखिए 0 का 0 हो गया, 0 का 0 हो गया, 15 में से 7 गया 8, ये हो गया 9, 17 में से 9 गया ये हो गया 8, 17 में से सॉरी 7 में से 5 गया 2 और 5 में से 3 गया 2, तो कितने मार्जिन से जीत गया वो, 228,800 की मार्जिन से ये चुनाव जीत गया, जो इलेक्शन था वो जीत गया, इतना मार्जिन रह गया, ये मार्जिन हमारा क्या हो गया आंसर। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसको सक्सेसफुल को इतने मिले, नियरेस्ट राइवल को इतने मिले, तो कितने मार्जिन से जीता वो, दोनों का डिफरेंस कर लीजिए आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ इतना इन द फर्स्ट वीक, देखिए कीर्ति बुक स्टोर ने इतने रुपए की बुक्स बेच दी फर्स्ट वीक ऑफ जून, एंड इतने रुपए की बुक्स बेच दी सेकंड वीक ऑफ द मंथ, हाउ मच वाज द सेल फॉर द टू वीक्स टुगेदर, टोटल सेल कितनी होगी, तो हम क्या लिखेंगे, सेल ऑफ फर्स्ट वीक, फर्स्ट वीक में कितनी बुक्स बेची हमने, हमने बेची है 285,891, सेल ऑफ सेकेंड वीक, ये कितनी हो गई हमारी 4,07,68, इतनी हमने सेकंड वीक में बेची है, तो टोटल सेल कितना हो गया, टोटल सेल के लिए क्या करेंगे, दोनों को हम ऐड कर देंगे, कैसे ऐड करेंगे, ऐसे लिख देंगे 285,891 प्लस 4,00,768, दोनों को ऐड कीजिए फटाफट आंसर बताइए, ये लीजिए ये हमारा टोटल हो गया, इतनी बुक्स हमने टोटल सेल की है दो वीक्स के अंदर। आगे क्या पूछ रहा है, इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच, कौन से वीक के अंदर सेल ज्यादा हुई है, तो पहले तो इन दोनों को देख के बताइए ज्यादा सेल किस में हुई है, सेकंड वीक में, तो हम क्या लिखेंगे, इन सेकंड वीक सेल वाज ग्रेटर, सेकेंड वीक में हमारी सेल क्या हुई है, ज्यादा हुई है, और कितनी ज्यादा हुई है, तो क्या लिखेंगे, दोनों का माइनस कर देंगे, इस वीक में इतनी, इस वीक में इतनी है, तो डिफरेंस इन सेल कह सकते हैं या ग्रेटर कह सकते हैं, एक ही बात है, डिफरेंस इन सेल कितना हो गया, तो 4,07,68 में से हम माइनस कर देंगे 285,891, तो दोनों का डिफरेंस लगा लो, यहां डिफरेंस करके दिखा देता हूं मैं कितना आएगा, देखो ये 4,00,768 है, इसमें से हमें 285,891 माइनस करना है, 8 में से 1 गया 7 और 16 में से 9 गया 7, 9, 17 में से 9 गया 8, 10 में से 6 गया 4, 10 में से 9 गया 1, 4 में से 3 गया 1, तो कितने का डिफरेंस आ गया, 1,14,877, इतनी बुक्स हमने इस मंथ में सॉरी इस वीक में ज्यादा बेची है उस वीक से, ये हमारा आ गया डिफरेंस इन सेल, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या कहता है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटर्न यूजिंग द डिजिट्स दिस ईच ओनली वंस, देखिए इन डिजिट्स का यूज करके हमें 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर और 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बनाना है, तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पहले ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, यूजिंग दीज डिजिट्स,
और यहां हम लिखेंगे लीस्ट फाइव डिजिट नंबर यूजिंग दीज डिजिट्स। चलिए, सबसे बड़ा नंबर कौन सा बनेगा और सबसे छोटा नंबर कौन सा बनेगा, ये मैंने आपको बताया था। सबसे बड़ा नंबर बनाना है तो ये जितने भी डिजिट से सबसे बड़ा डिजिट पहले, उसके बाद छोटा छोटा छोटा, ऐसे लिखना है। तो सबसे बड़ा कौन है इनमें, देखिए सबसे बड़ा है सेवन, तो सबसे पहले लिखो सेवन। फिर नेक्स्ट है सिक्स, ये लीजिए। फिर नेक्स्ट है फोर, फिर नेक्स्ट है थ्री, और फिर नेक्स्ट है टू। तो सबसे बड़ा तो हमारा ये बन गया, और सबसे छोटा लिखना है तो क्या करेंगे, इनका ऑर्डर रिवर्स कर दीजिए। सबसे पहले सबसे छोटा लिखिए, तो ये बन गया टू थ्री फोर सिक्स सेवन, ये लीजिए। तो सबसे बड़ा हमारा बना है 76,432, सबसे छोटा बना है 23,467। और क्या कहना चाह रहा है, अब ये कह रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस और बता दीजिए। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, दोनों को माइनस कर दीजिए। डिफरेंस क्या हो गया, दोनों को माइनस कर दीजिए। तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 में से 7 गया 5, ये 7, 13 में से 7 गया 6, 5, 14 में से 5 गया 9, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 2 गया 5. तो दोनों में डिफरेंस कितने का आ गया, 52,965, ये हमारा क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, ये लीजिए हमारा आंसर हो गया। तो बहुत ही सिंपल चीज थी कि इन डिजिट्स को यूज करके सबसे बड़ा लिखना है तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ा डिजिट, उससे छोटा ऐसे, और सबसे स्मॉलेस्ट लिखना है तो इसका ऑर्डर रिवर्स कर दीजिए, ये छोटा हो गया, और दोनों को माइनस कर लीजिए, डिफरेंस आ गया। तो सिंपल क्वेश्चन था ये तो आपके लिए, आगे चलते हैं। देखिए ये क्या कहता है, ए मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2825 स्क्रूज ए डे, हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। देखिए पर डे स्क्रू कितने बना रहे हैं, हम लिखिए मशीन मैन्युफैक्चर्स स्क्रूज इन वन डे, एक दिन में कितने स्क्रू बन रहे हैं, 2825, और जनवरी के अंदर कितने दिन होते हैं जल्दी से बताइए, नंबर ऑफ डेज इन जनवरी जल्दी से बताइए कितना होता है, जनवरी में, जनवरी में होते हैं 31 डेज, ठीक है। तो टोटल स्क्रू कितने बने, टोटल स्क्रू एक दिन में आप इतना बना रहे हो, टोटल इतने डेज है, तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा 2825 इंटू 31, ये मल्टीप्लाई कीजिए साइड में, फटाफट बताइए कितना आया, 31 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 1 से कर देते हैं, फिर 3 से कर देते हैं, ये लीजिए 57578, तो कितना आ गया 87575, ये लीजिए आपका आंसर हो गया। क्या किया हमने, सबसे पहले लिखा कि एक दिन में मशीन कितने स्क्रू बना रही है इतनी, टोटल डेज कितने हैं जनवरी में इतने, तो टोटल स्क्रूज कितने आ गए, दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये भी ज्यादा टफ नहीं था मेरे ख्याल से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए मर्चेंट हैड रुपीज इतना विद हर, शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेसिंग 40 रेडियो सेट्स एट रुपीज इतना, हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेस। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या कहना चाह रहा है, स्टेप बाय स्टेप समझिए। सबसे पहले कहता है टोटल मनी अपने पास कितनी है, टोटल मनी हमने लिख दिया हमारे पास है 78,592, इतने रुपए हमारे पास पड़े, ठीक है, और परचेज क्या करना है हमें, रेडियो सेट परचेज करने हैं। तो कॉस्ट ऑफ वन रेडियो सेट, एक रेडियो सेट कितने का है, 1200 रुपीज का, ठीक है। टोटल कितने परचेज करने हैं, 40 रेडियो सेट, तो कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट क्या हो जाएगी जल्दी से बताओ,
इसको क्या करेंगे, 1200 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा ये, इतना हो जाएगा 48,000। तो हमारे पास रुपए थे इतने और 48,000 के हमने रेडियो सेट खरीद लिए, तो पीछे रुपए कितने बचे हमारे पास, तो मनी लेफ्ट कितना रह गया। मनी लेफ्ट कैसे निकालेंगे, दोनों का माइनस कर लीजिए, तो 78,592 हमारे पास थे और इतने रुपए हमने खर्च कर दिए, तो डिफरेंस निकाल लीजिए जल्दी से कितना आ जाएगा ये, 2958 में से 8 गया 0 और 7 में से 4 गया 3, इतने रुपए हमारे पास पीछे रह गए। क्लियर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, इतने रुपए हमारे पास थे, एक रेडियो सेट 1200 का इंटू हमने 40 किया तो टोटल 40 रेडियो सेट के इतने रुपए लग गए, जो डिफरेंस है वो हमारे पास बच गया। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 बाय 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56 बाय हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, यू नीड टू डू बोथ द मल्टीप्लीकेशंस। ठीक है, देखिए इसको हम दो तरीके से करेंगे, देखना आप लोग। ठीक है, सबसे पहला तरीका क्या है कि हमें क्या करना था, 7236 को हमें 56 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन हमने गलती से क्या कर दिया, 65 से मल्टीप्लाई कर दिया, और हमें करना क्या था, 7236 को 56 से मल्टीप्लाई करना था। तो पहले तो ये मल्टीप्लाई करके बता दीजिए कितना आएगा, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। ये हो गया इनकरेक्ट आंसर और ये आ गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका भी मल्टीप्लाई बता दीजिए, मल्टीप्लाई मैं साइड में कर रहा हूं, देखिए हमने लिखा 7236 इंटू 65, ये हो जाएगा 5 6 30, 3 कैरी हो गया 15 + 3 18, कैरी हो गया 1, 10 + 1 11, कैरी हो गया 1, 35 + 1 36, दोबारा से 6 से करते हैं, 6 6 36, कैरी हो गया 3, 6 3 18 और 3 21, कैरी हो गया 2, 12 + 2 14, कैरी हो गया 1, 6 7 42 + 1 43, टोटल किया हमने, ये लीजिए 470340, ये हमारा आंसर आ गया इसका, 470340 ये हमारा आंसर आ गया, इसको हम हटा देते हैं यहां से। ठीक है, चलिए और ये वाला मल्टीप्लाई भी करना है, फटाफट इस मल्टीप्लाई को भी कीजिए, कितना है, 7236 को हमें 56 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया 6 6 36, कैरी 3 18 21, कैरी 2 12 और 2 14, कैरी 1 6 7 42 + 1 43, इसको हटाइए यहां से, नेक्स्ट 5 से करते हैं, 5 6 30, कैरी 3 15 और 3 18, कैरी 1 10 + 1 11, कैरी 1 35 + 1 36, ये हो गया 6 1 2, ये आ गया हमारा आंसर, तो इसको लिख देते हैं हम यहां पे, कितना बना 405216, ये लीजिए। ठीक है, चलिए तो हमने क्या किया, ये हमारा इनकरेक्ट आंसर है, ये हमारा करेक्ट आंसर है, वो पूछ रहा है बाय हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, तो इनकरेक्ट आंसर इससे कितना ग्रेटर हो गया, तो कैसे निकालेंगे, आंसर ग्रेटर देन करेक्ट आंसर, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, ये इनकरेक्ट है, 470340 में से माइनस करना हमें क्या, 405216, ये माइनस कर लीजिए, जो डिफरेंस आएगा वही हमारा आंसर हो गया, माइनस कर देते हैं, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 2, 3 में से 2 गया 1, यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया 6, तो कितना ज्यादा आंसर आ गया आपका, 65124, ये हमारा पहला मेथड था। देखिए हम एक और मेथड से इसी क्वेश्चन को करेंगे, ये वाला मेथड समझिए आप, ये क्या कहता है, आपको मल्टीप्लाई करना था 7236 को 65 से, लेकिन आपने गलती से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी 56 से मल्टीप्लाई करना था,
गलती से 65 से कर दिया, तो दोनों में डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस कैसे निकालेंगे? हम ऐसे डिफरेंस निकालेंगे, 7236 इंटू 65 माइनस 7236 इंटू 56, ये हमारा क्या आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, इसमें से क्या करते हैं, हम दोनों में से कॉमन ले लेते हैं 7236 को, तो यहाँ 65 बच जाता है माइनस यहाँ 56 बच जाता है, तो दोनों को माइनस कर लीजिए, जल्दी से बताइए, माइनस करने के बाद कितना आ गया? 56 और 9 होता है 65। अब 9 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए क्या आ रहा है, 65124। और पहले भी हमारा आंसर क्या आ रहा था? 65124। तो ये हमने अलग अलग मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लिया, यहां हमने क्या किया, ये कॉमन लेके इनका डिफरेंस लेके जो बच गया सिर्फ उसी से मल्टीप्लाई किया। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, लेकिन थोड़ा शॉर्ट करें तो हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी वाली जो प्रॉपर्टी थी हमारी, वो हमने यहाँ पे यूज किया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव कर दिया हमने, ये अलग अलग थे इनको हमने कॉमन ले लिया। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, आपको ये वाला मेथड सीखना है। ठीक है, आपको अगर ये ज्यादा अच्छे से समझ में आना चाहिए और इसी पे प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यहाँ आपको दो बार मल्टीप्लाई करना पड़ा और यहाँ हमें एक ही बार मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो ये हमारा काम थोड़ा सा इजी हो जाता है इसके मुकाबले। क्लियर, इसमें टाइम कम लगेगा अपने को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, टू स्टिच ए शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लोथ इज नीडेड, आउट ऑफ 40 मीटर क्लोथ हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मैनी क्लोथ विल रिमेन। चलिए ये क्वेश्चन करना है, क्या करेंगे, पहले तो हिंट भी हमें दे रखा है कि डाटा को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो चलिए पहले तो हम लिखते हैं टोटल क्लोथ हमारे पास कितना है, जल्दी से देखिए, टोटल क्लोथ हमारे पास है 40 मीटर, इसको हमें सेंटीमीटर में बदलना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो गया, 4000 सेंटीमीटर। क्यों किया ऐसा, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, एक शर्ट में कितना कपड़ा यूज हो रहा है, क्लोथ यूज्ड इन वन शर्ट, एक शर्ट में कितना कपड़ा है, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, इसको भी सेंटीमीटर में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 215 सेंटीमीटर। ये लीजिए एक शर्ट में हमारा यूज हो गया, तो नंबर ऑफ शर्ट्स कितने बनेंगे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा, 4000 को हमें 215 से डिवाइड करना पड़ेगा, हम देखेंगे ये कंप्लीट डिवाइड कितनी बार जाता है। तो चलिए 215 का डबल करेंगे तो ऊपर निकल जाएगा, हम एक बार करते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमने वन टाइम किया तो 215, पीछे क्या बच गया, 185, यहां आ गया जीरो। आगे चलते हैं, अब ये कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, वन एट फाइव जीरो के आसपास जाना है, तो 215 को हमने मान लीजिए 9 से किया तो कितना आ जाएगा, 4 carry 1935, तो ये तो हमारा निकल गया ऊपर, तो हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 215 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 4 1720। ये लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पे 8 times 1720, क्या डिफरेंस रह गया यहाँ पे, 0 3 130, ये लीजिए हमारा पीछे डिफरेंस रह गया 130। तो यहां से हमें पता चल गया कि टोटल कपड़े कितने बन, टोटल शर्ट कितने स्टिच हुए हमारे, 18, तो हम क्या लिखेंगे, 18 शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड। अब ये पूछ रहा है पीछे शर्ट कितना रिमेनिंग रह गया, तो इसका जो रिमाइंडर है वही हमारा रिमेनिंग शर्ट है, तो हम क्या लिखेंगे, रिमेनिंग क्लोथ कितना रह गया हमारे पास,
130 सेंटीमीटर, ये हमारा रिमेनिंग क्लोथ रह गया। तो देखिए क्या किया हमने, सबसे पहले टोटल क्लोथ को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, फिर एक शर्ट में कितना क्लोथ हुआ वो यूज किया, उसके बाद में नंबर ऑफ शर्ट्स निकालना है तो हमने 4000 में 215 का डिवाइड दिया। तो जो क्वेश्चन है इसका मतलब पूरे पूरे शर्ट कितने बनेंगे, 18 शर्ट्स तो हमारे बन गए, और जो रिमाइंडर है वो हमारा कपड़ा पीछे बच गया। तो पीछे कितना कपड़ा बच गया, 130 सेंटीमीटर हमारा पीछे बच गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये क्या कहता है, मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस ईच वेइंग 4 kg 500 ग्राम, हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैनॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। चलिए बहुत आसान है, कैसे करेंगे इसको देखिए हम। मैक्सिमम वेट कैरिड इन वैन कितना है, 800 kg, और वेट ऑफ वन बॉक्स, एक बॉक्स का कितना वेट है, 4 kg 500 ग्राम। इसको अगर मैं पूरे को केजी में लिखूं तो क्या लिखूंगा, 4 kg 500 ग्राम को क्या लिख सकते हैं, हाफ केजी। तो यानी इसको लिख सकते हैं 4.5 kg या 9/2 kg, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर, आगे चलते हैं। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस, कितने बॉक्सेस हम वैन में लोड कर सकते हैं, तो कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन वैन, नंबर ऑफ बॉक्सेस कैसे निकलेगा, 800 को हमें 9/2 से डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे हम, 800 को डिवाइड करना है 9/2 से। तो ये पूरा पूरा डिवाइड कितना होता है हम देख लेते हैं, इसको हम साइड में करते हैं, ये हो जाएगा 800 × 2/9। इसको डिवाइड कीजिए कितनी बार जाएगा, देखिए इसको डिवाइड करते हैं हम 9 से उड़ाएंगे, तो ये पहले पूरा लिख लेते हैं, चलिए हम ये बन गया हमारा 1600/9। अब इसको हम डिवाइड करते हैं आसानी से, तो ये जाएगा देखिए 9 × 9, पीछे बच गया हमारा 70, तो 9 × 7 = 63, पीछे बच गया 70, 9 × 7 = 63, यानी टोटल कितने बॉक्सेस हम लोड कर सकते हैं, 177 बॉक्सेस हम वैन के अंदर लोड कर सकते हैं। ये कंप्लीट डिविजिबल जहां तक होगा उतने ही पूरे पूरे बॉक्सेस, क्योंकि बॉक्सेस हमें पॉइंट में नहीं रखने हैं। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कहता है, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड स्टूडेंट्स हाउस इज 1 km 875 meters, एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 days। देखिए पहले तो डिस्टेंस लिखते हैं स्कूल का, डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस कितना है, 1 km 875 meters। इसको हम पूरा का पूरा मीटर में ही कर लेते हैं, 1 km को क्या लिखेंगे, 1000 meters, और ये 875 meters, टोटल कितना हो गया, 1875 meters। ये हमारा वन साइड का है, तो बोथ साइड का कितना हो गया, बोथ साइड का क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, जल्दी से 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया, ये हो गया 3750। ठीक है, आगे चलते हैं। तो टोटल डिस्टेंस इन 6 days, 6 days में कितना चलेगा, तो इसको 6 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये सब किस में चल रहा है, मीटर में चल रहा है। ठीक है, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये लीजिए इतना मीटर हो गया। इसको वापस अगर हमें किलोमीटर में लिखना है तो क्या करेंगे, 1000 का डिवाइड दे देंगे, तो कितना आ जाएगा, 22.5 किलोमीटर। अगर मीटर में पूछे तो 22,500, और किलोमीटर में पूछे तो वापस से 1000 का डिवाइड देंगे, 2 0 कट जाएंगे, यहां पे पॉइंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 22.5 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्या क्वेश्चन है? A vessel has 4 liters and 500 ml of curd. In how many glasses each of 25 ml capacity can it be filled? देखिए टोटल कर्ड कितना है, टोटल कर्ड है हमारे पास 4 लीटर 500 ml। इसको ml में कन्वर्ट कीजिए। एक लीटर में कितना ml बताया था जल्दी से बताइए। एक लीटर में होता है 1000 ml, ठीक है। तो ये लिख दिया 4 इंटू 1000 प्लस 500, तो ये हो गया 4500 ml। ये हमारे पास टोटल कर्ड है और एक ग्लास के अंदर कितना आ रहा है 25 ml। तो कैपेसिटी ऑफ वन ग्लास कितना है 25 ml। तो टोटल ग्लासेस कितनी फिल कर सकते हैं, टोटल ग्लासेस कैसे निकालेंगे कि इतना टोटल पड़ा है, एक ग्लास में इतना है, तो दोनों का डिवाइड मार दीजिए। 4500 को आपको 25 से डिवाइड मारना है। कैसे डिवाइड करेंगे, पहले 5 से उड़ाते हैं, 5 जा, ये 5 9 जा, फिर 5 से उड़ाइए, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। तो कितने ग्लासेस फिल कर सकते हैं हम, 180 ग्लासेस हम इससे फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ आके हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।